इस रूटीन में सप्लीमेंट से लेकर दिए हुए मास्क बॉडी केयर हेयर केयर स्किन केयर टिप्स तक सब कुछ शामिल जो है हर ब्राइड की जरूरत है हाय एवरीवन आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि ये कुछ ऐसी मैं आपसे हैबिट शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी कम्प्लीटली लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है ये ना सिर्फ आप ब्राइड भी यूज कर सकते बल्कि कोई भी एज वाले इस वीडियो को देख के रूटीन को अच्छा करके इम्प्रूव कर सकते हैं और ये आपने इसकी करनी है टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए जब तक ये ड्राई शादी से पहले अपने आपको बेस्ट वर्जन में देखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपने बिल्कुल भी कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है और जो भी आपके रिलेटिव्स में आपके कॉन्टेक्ट्स में ब्राइट टू बीस हैं उनसे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा इस वीडियो में मैं कवर करूंगी डीआईवाई स्किन केयर मास्क कुछ होंगे आपके बॉडी के रिलेटेड कुछ मास्क होंगे आपकी पिगमेंटेटिव बॉडी है कोई आपके डार्क पैचेस हैं बॉडी पे उन सबको और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आपके बैड स्मेल का इशू है तो वो भी मैं इसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगी और साथ ही साथ आपके हेयर केयर रूटीन होगी डेली और वीकली रूटीन होगी डेली में नी एम एंड पी एम स्किन केयर रूटीन होगी आपने यही ये नहीं, नहीं ये नहीं सोचना कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी या बहुत सारी चीज़ें हम लोग परचेज़ करनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आई विल शेयर सब्सटीट्यूट्स ऑल दी प्रोडक्ट्स के रीजनेबल हो अफोर्डेबल हो कोई भी इसको यूज़ कर सके तो आपने अब इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी हेल्थ का ख्याल करना है फिजिक्स टर्नल और इंटरनल हेल्थ इंटरनल हेल्थ के लिए आपने जूसेज़ को ट्राई करना है अपने फ्रूट्स लेने हैं आलमंडस ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते। जो भी आपके घर पे अवेलेबल हैं बट आपने कोशिश ये करनी है कि आप शुगर इनटेक कम कर दें और ये और बैलेंस डाइट right को स्टार्ट कर दें अपने बर्गर्स एंड पिज़ाजी जो फूड हैं उनको कम कंज्यूम करना है क्योंकि इससे आपके एक्नी और पिम्पल का इशू हो सकता है जिससे अगर थोड़ा सा भी आपके आपने इग्नोर किया इस चीज़ को तो आपको बहुत ही मुश्किल हो सकती है इससे बचने के लिए कुछ आपने हेल्दी रूटीन्स को फॉलो करना है और यहाँ पे मैं कुछ आपसे शेयर कर देती हूँ लाइक आप शेयर सीटर तो ले सकते हैं आप माइट भी पॉसिबल वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए अभी तो वीडियो को ही शूट करते करते मैंने ये जूस को प्रिपेयर किया सोचा मैं आपसे भी शेयर करूँ ताकि आपकी इंटरनल हेल्थ जो है वो भी अच्छी हो जाए ग्लो सिर्फ बाहर से नहीं होना चाहिए अंदर से भी आपका होना चाहिए तो आप इसी तरह हाइड्रेशन का भी ख्याल करें पानी आप बहुत अच्छे से पिए एट टू ट्वेल्व अ डेज और मस्ट तो आप स्किन को हाइड्रेटेड और फ्रेश करने के लिए वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है और उसी के साथ साथ आप सप्लीमेंट्स का इंटेक करें बायोटिन और ओमेका थ्री सप्लीमेंट्स लेना बालों के लिए बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद बायोटिन और रोमेका थ्री सप्लीमेंट्स लेना बालों के लिए बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए फायदा बट आपने बिफोर यूजिंग ऑल दीज सप्लीमेंट्स आपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें क्योंकि आपकी स्किन और ओवरऑल हेल्थ का असली ग्लो अंदर से ही आता है तो मैं रिकमेंड करती हूँ वाइटामिन सी के साशे या साइटामिन सी की टेबलेट्स आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें डेली मॉर्निंग रूटीन में लेना स्टार्ट कर दें ये एक एफरविजेंट पाउडर है जो पानी में डाल के इजिली पिया जा सकता है वाइटामिन सी को ब्राइडल ग्लो का सीक्रेट कहा जाता है क्योंकि ये स्किन को ब्राइटनस करता है क्लोलोजिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और आपको एक फ्रेश और रेडियंट लुक देता है अगर आपको एक्नी या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ये उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा साथ ही साथ अगर आप अपने हेयर की स्किन हेयर नेल को अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूट्री फैक्टर्स की ये मैक्सूम को यूज कर सकते हैं ये कम्पलीट है जो ब्राइडल के स्ट्रेस और सकन को कम करती है और आपको दिन भर की एनर्जी प्रोवाइड करती है स्पेशली शादी के वीक्स में ही आपको एक्टिव और फ्रेश रखेगी और अगर आप बात करेंगे स्किन और हेयर सप्लीमेंट्स को जो तो डेरमाजोन भी मस्ट हैव्स है इनका डिटेल रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है वो भी जाकर देख सकते हैं ये आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग के लॉन्ग लास्टिंग और हेल्दी बनाने में हेल्प करती है ये सप्लीमेंट हर दिन अपनी डाइट में शामिल करें फॉर डैट नेचुरल ब्राइडल ग्लो तो अब मैं आपसे एक मस्ट हैव प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि अगर आप स्टार्ट कर देंगे इसको यूज करना तो आपको किसी भी क्रीम्स की किसी भी एसज रूटीन को फॉलो करने की नीड नहीं रहेगी ब्राइडल ब्राइडल केयर रूटीन में ग्लोइंग और इवन टोन स्किन के होने के लिए बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए एक मस्ट हैव प्रोडक्ट जो आप अपने नाइट टाइम या मॉर्निंग स्किन के रूटीन में शामिल कर सकते हैं वो है ये पेट्स की क्रीम जो कि जिंक ऑक्साइड कंटेन करती है तो ये, ये। ब्राइड्स के लिए यूजफुल है जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है ये जो चाहती हैं कि उनकी स्किन ब्राइडल डे पे क्लियर और प्रोटेक्टेड हो इस क्रीम का यूज़ आप यूज़ अपराध आप को भी कर सकते हैं सबसे पहले आप अपने फेस अच्छे से क्लेंस करें ताकि कोई भी डर्ट या मेकअप हो रिमूव हो जाए फिर ये जा? क्रीम लेकर अपने फेस और नेक पे लगाएं स्पेशली ओन एरियाज़ पे जहाँ पे आपको रेडनेस या इिरीटेशन फील होती ये है ये क्रीम आपकी स्किन को नॉट ओनली सूज करती है बल्कि इसके जिंक ऑक्साइड कंटेंट यूवी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है इसको आप मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं फॉल जो हमारी ब्राइड्स टू भी होती हैं उनकी यही होती है कि हमारी स्किन अच्छी हो बिल्कुल फ्लॉलेस बेस लगे जब भी मेकअप करें तो बहुत अच्छा लगे तो उसके लिए आपने एट लीस्ट एटलीस्ट टू टू थ्री मंथ्स पहले ही आपने अपनी स्किन केयर का ख्याल करना स्टार्ट आई सजेस्ट यू की आप एक्टिव को यूज करें अगर आपने करने हैं तो वो बिफोर सिक्स मंथ तक आप यूज कर लें देन आफ्टर डैट आपने कोई भी एक्टिव अपनी स्किन पे नहीं यूज करना उससे कुछ बेसिक स्टेप्स शेयर कर देती हूँ जो आपने प्रॉपरली जरूर फॉलो करने हैं और इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं करना आपने अगर कुछ ऑप्शनल हुआ तो मैं वीडियो में ही आपसे शेयर कर दूंगी कि ये ऑप्शनल स्टेप है आप इसको स्किप कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन केयर के बारे में मैं आपसे शेयर करती हूँ तो अभी मैं आपसे ए एम स्किन केयर को भी मैंने इस तरह डिवाइड किया है कि डेली स्किन केयर रूटीन और उसमें भी ए एम एंड डीएम मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर रूटीन होगी और साथ ही वीकली जो आपने स्किन केयर रूटीन करनी है वो तो पहले मैं आपसे शेयर कर देती हूँ मॉर्निंग की स्किन केयर रूटीन तो आपने उसमें क्या करना है नहीं करना है कि अपने फेस को वॉश करना है अच्छे से कोई भी आपके पास जेंटल फॉर्मिंग क्लेंजर है वो आप यूज़ कर लें जिससे आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो ऑयली स्किन के लिए सलीसिलिक एसिड वाला बेस्ट है या आप नीम वाला यूज़ कर सकते हैं ये जो भी वो स्किन को सूट करता है आपने एक्सपेरिमेंट कोई भी नहीं करना जो आप यूज़ करते आ रहे हैं वो ही यूज स्किन है तो उसके लिए हाइड्रेटिंग क्लिनजर हो वो बेस्ट होगा आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना डोंट फॉरगेट इट गर्म्स टी टोनर टोनर एक ऑप्शनल स्टेप है अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इससे आपके पोर्स का इश्यू है वो कम हो जाता है बट एज सच इतना नहीं आपको विजिबल डिफ्रेंस आएगा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अदरवाइज यू कैन स्कीप इट तो टोनर में आप ये विच हेजल का टोनर यूज़ कर सकते हैं या सिंपल कोई भी रोज़ वाटर आपके पास अवेलेबल है तो उससे कर सकते हैं इससे आपकी स्किन रिफ्रेश हो जाएगी और पी एच आपकी मेनटेन रहेगी और टोन रहेगी स्किन आपने सीरम यूज करना है अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपनी स्किन को आपने देखना है कि आपकी स्किन पे कौन सी चीज सूट कर रही थी क्योंकि अभी ये टाइम है कि आप कोई भी अगर ऐसी प्रोडक्ट यूज़ की तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा कोई रिएक्शन अगर आ गया तो उससे आप बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ सकते हैं सीरम आप जो भी माइल्ड से हैं लाइक आप वाइटामिन सी मॉर्निंग में यूज़ कर लें बट इसके बाद आपने क्या यूज़ करना है ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप वाइटामिन सी की एलर्जी है आप यूज़ नहीं कर सकते तो आप इसके बाद निर्वाना बोटेनिक्स का यूज कर सकते हैं ये बहुत ही सेफ टू यूज है आप ये भी यूज़ कर सकते हैं इससे वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है इंस्टेंटली और साथ ही साथ थर्ड ऑप्शन अदर वन इज दिस गार्नियर का स्किन एक्टिव कंप्लीट ब्राइट सी ये भी सीरम सेफ टू यूज है आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं अब आपने ये सारी स्किन के रूटीन कर ली मॉर्निंग में बट आपने इसको मॉइस्चराइजर नहीं यूज किया तो आपके ये सीरम लॉक नहीं होगा स्किन में आपकी स्किन में इंस्टेड ऑफ गिविंग रिजल्ट्स आपको साइड इफेक्ट मिल सकते हैं तो आपने मॉइस्चराइजर लगाना है स्किन वाले लाइट मॉइस्चराइजर जेल बेस्ड यूज करें और ड्राई स्किन वाले क्रीम बेस्ड दैन कम्स दी सनस्क्रीन जो कि आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करनी आपने इसको अपनी डेली स्किन के रूटीन का पार्ट जरूर रखना है कोई भी आप यूज़ करें अगर आप थोड़ा सा अफोर्डेबल ऑप्शन चाहते हैं तो ये डर्माशाइन का यूज़ कर सकते हैं ये भी स्किन पर अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है काफ़ी अच्छा ये है रिजनेबल इसके अफोर्डेबल प्राइस है और अगर आप मिनरल बेस चाहते हैं एक सेंसिटिव स्किन है तो ये मिनरल सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं इट्स आल्सो वेरी गुड अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं यहाँ पे मैंने चैनल पे अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ वो भी देख सकते हैं अदर देन दट अगर आपको थोड़ा बहुत ही हाई एंड ब्रांड का चाहते हैं तो ये लोरेल शॉर्ट आउट सबको कर दू कि कौन कौन सा स्टेप आपने करना है फर्स्ट आपने फेस वॉश करना है देन टोनर की अप्लीकेशन इट्स ऑप्शनल देन अप्लाई सीरम अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड योर स्किन कंसर्न आपने किस वजह से यूज करना है then your application of moisturizer according to your skin type and application of sunblock this is the last step of your skincare routine morning is done नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में जैसे कि आपने सन ब्लॉक की एप्लीकेशन की थी मॉर्निंग में तो उसको आपने रिमूव किस तरह करना है अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये बेबी ऑयल यूज़ करके भी रिमूव कर सकते हैं और अगर आपकी कि वाली है पिंपल्स वाली है या ऑयली है तो आप उसके लिए सेलिसलिक पेस्ट ये माइसिलियर क्लिनिंग वाटर यूज करें यह बहुत अच्छे से आपके स्किन से मेकअप को आप कोई भी क्रीम जो अप्लाई की थी आपने मॉर्निंग में और बहुत अच्छे से इसको रिमूव कर देता है और पिम्पल्स और एक्निक का इशू भी नहीं होता दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूर नाइट टाइम स्किन अगर आपने टोनर की अप्लीकेशन करनी है तो आप वो भी इस टाइम कर सकते हैं बट इट्स बट इट्स अगेन ऑप्शनल तो थर्ड स्टेप सीरम आपने यूज करना है अगर आप मॉर्निंग वाला यूज करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं अदरवाइज ये क्रीम है आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए तो ये मैग्सडीफ की यूज़ करते हैं इट विल गिव यू स्लो रिजल्ट पत यह है कि परमानेंट होंगे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा स्किन पर एंड दैन अगर आप कोई सेफ टू यूज और भी चाहते हैं प्रोडक्ट जो आपके डार्क स्पॉट है एक्नी हो रही है या आपको वैक्सिंग करवाई है इरीटेशन हो गए तो आप ये मल्टीपर्पज ग्रे क्रीम यूज़ कर सकते हैं विच इज़ एंटी विच इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी फंगल एंटी एंटीबैक्टेरियल तो आपके स्किन पे एक्नी वगैरह को भी पिंपल्स को भी नहीं होने देगी और ये बिल्कुल आपने एज ए लेयरिंग करके अप्लाई करना है अपने फेस पर इसी तरह ही आपने सो जाए तो इसका भी डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोडेड है आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको कम्प्लीट डिटेल्स चाहिए तो ये सब आपका जी नाइट टाइम स्किन केयर नाइट क्रीम में आपको डीपली हाइड्रेटिंग नाइट क्रीम यूज़ करें ताकि बिल्कुल रिफ्रेश और आपकी स्किन नरिशमेंट उसको मिलती रहे कंप्लीट ना कौन कौन से हैं आपने सबसे पहले क्लिनजिंग करनी है अपने फेस की वो आप माइसेलर वाटर से कर सकते हैं या बेबी ऑयल से कर सकते हैं देन यू विल अप्लाई योर स्टोनर आपकी ये चॉइस है आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लें अदरवाइज यू कैन स्किप इट तो और बाद में आपने अप्लाई करना है सीरम को अगर आपने सीरम यूज़ करना है इस टाइम तो वो भी यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज कोई भी नाइट क्रीम जो आपके स्किन अगर कोई जो भी इशू है आपके स्किन उसके अकॉर्डिंग आपने यूज़ करनी है लाइक ये मैक्स डीप थोड़े से ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग इफेक्ट के लिए क्योंकि ब्राइट टू बी को यही होता है कि हमारी स्किन बहुत ही अच्छी लगनी चाहिए वाइट होना चाहिए हमारा फेस के मेकअप की जरूरत ही ना हो अदरवाइज इवेंटो के इवेंट टोन की भी यूज़ कर सकते हैं या डेरमोटिन भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छी ये प्रोडक्ट्स हैं वाइटनिंग क्रीम है बट उस तरह की साइड इफेक्ट्स नहीं आपको देंगे क्योंकि सेफ केमिकल्स इसमें यूज़ किए गए हैं नाउ कम्स टू दी वीकली स्किन केयर रूटीन वीकली स्किन केयर रूटीन में कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड करेंगे जो आपको ग्लोइंग लुक देंगे तो उसमें आपसे आपने सबसे पहले कोई भी क्लिनजर यूज़ करना है लाइक क्लिनजिंग मिल आपने एज अ फेसियली अगर आपके पास फेशियल किट है तो आप उसका भी क्लिनजर यूज़ कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अफोर्डेबल में चाहते हैं तो ये सॉफ्ट टच का क्लिनजिंग मिल भी काफ़ी अच्छा है आपके स्किन पे कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देता अच्छे से क्लिनजिंग कर देता है बट फ्रॉम माई रिकमेंडेशन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं क्लिनजिंग मिल तो ये विंसे क्लिनजिंग भी बहुत अच्छा है आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता और इंस्टेंट ब्राइटनिंग आती है फिर आफ्टर क्लेंजिंग आपने ब्लैक हेड्स का अगर आपको इशू है तो आप अब उस... आपने करनी है अपने फेस की स्क्रबिंग स्क्रबिंग के लिए आपके पास बहुत ही माइल्ड और जिसके बिल्कुल माइन्यूट से पार्टिकल्स हों आपने वो देखना है उसके लिए आप ये नीम डेली स्क्रब यूज कर सकते हैं विच इज़ फ्रॉम हिमालय या आप ये वाला ब्लैक हेड क्लियरिंग यूज़ कर सकते हैं बट मैं uh, मेरी तरफ से जो फर्स्ट रिकमेंडेशन आपके लिए हिमालय का ही होगा क्योंकि सॉफ्ट से हैं और आपको बिल्कुल भी फेस पे आइडिया नहीं होता आपने स्क्रबिंग की और आपको हार्श बिल्कुल भी नहीं लगते बहुत ही अच्छे से आपके की स्क्रबिंग कर देते हैं डेड स्किन रिमूव हो जाती है अभी यहाँ पे हमारी वीकली स्किन केयर रूटीन एंड नहीं हुई आपसे मैं दो तीन ऑप्शनल स्टेप्स भी शेयर करूंगी अगर आप वो करते हैं तो वो एडिशनल है आपकी स्किन पर और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे स्क्रबिंग के बाद आपने अपने हेड्स को रिमूव करना है जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं अगर आपके फेस पे हैं उससे सारी लुक ही आपकी बहुत ही अजीब सी लगना स्टार्ट हो जाती है तो सेफ़ टू यूज हो गया कोई अच्छा ब्लैक हेड रिमूविंग मास्क यूज़ कर लें जैसे कि हॉलीवुड स्टाइल का ये एज अ मड मास्क तरह अप्लाई होता है बट आपने इसको रिमूव वेट स्पोन से करना होता है और अगर आप चारकोल नो स्ट्रिप्स यूज़ करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं या रिवाज यू के का है। पील ऑफ मास्क आता है वो भी मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है वो भी कर सकते ऑल दीज रिकमेंडेशन आर टॉप नोच के आप इन कोई भी इनमें से यूज कर सकते अच्छा जी तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ गई हैं अब तो ये आपके लिए मैंने एक एडिशनल स्टेप ऐड किया था अगर आप करना चाहते हैं तो करें बहुत ही अच्छे से आपकी एक्सफोलिएशन होगी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और इंस्टेंटली आपकी स्किन ब्राइटन अप हो जाएगी इसके लिए आप एक्सफोलिएटिंग जेल केमिकल बेस्ड यूज कर सकते हैं आपके इसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे आपको फील कुछ नहीं होगा आपने थर्टी सेकेंड्स के लिए फेस पे इनको सर्कुलर मोशन से मसाज करनी है देन ऑफ कर देना है और इसके बाद आप ये करेंगे अप्लाई पील सीरम जिससे आपके केमिकल पीलिंग सीरम है जिससे आपके अगर डार्क स्पॉट्स का इशू है एक्नी का इशू है या आपकी डार्कन हो रही है स्किन कहीं से पिगमेंटेशन का तो ये उस चीज़ को भी खत्म करता है और ये आपकी इंटरनली आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन करने में हेल्प करता है इसी के साथ साथ अब हमारी बारी आती है ये सारे स्टेप्स करने के बाद आपने अपने स्किन पे मॉइस्चर को लॉक करना है हाइड्रेशन प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए आप आ, कोई भी मास्क यूज कर सकते हैं या डी डी मास्क में शेयर कर देती हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने डी मा, मास्क नहीं यूज़ करना तो ये शीट मास्क की अप्लीकेशन कर सकते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए क्ले मास्क बहुत ही बेस्ट होता है जिससे ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रेटिंग शीट मास्क जरूर यूज़ करें ये आपको एक दो दफ़ा ज़रूर करना है वीक में ताकि आपकी स्किन पर हाइड्रेशन लोक हो जाए और ऑयली स्किन वाले भी चाहें तो आप वन सा वीक शीट मास्क यूज़ कर सकते हैं भाई ही शेयर कर रही हूँ ये आई थिंक जरूर आपके घर पे अवेलेबल प्रोडक्ट होंगे परचेज कर सकते हैं मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है जिसको आगे आगे कहते हैं, तो आप ये ऐड करेंगे देन आपने इसमें क्ले ऐड करनी है इन दोनों के बेनिफिट स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग है आपकी स्किन को बहुत अच्छे से डीपली क्लीन कर देते हैं पोर्स जो है उनको श्रिंक करने में हेल्प करते हैं अगर कोई डार्क स्पॉट है या तो उनको भी काम डाउन करने में हेल्प करते हैं इसमें रोज़ वाटर को ऐड करना है या वाटर में भी इसको बना सकते हैं आपकी अपनी चॉइस है। बट आई एम मेकिंग रोज वाटर तो आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए जब तक ये ड्राई हो जाए जब ये ड्राई हो आपने ठंडे पानी से वॉश करना है और इससे आपकी इंस्टेंटली ब्राइट स्किन हो जाएगी एंड यू विल बी जस्ट आपको आइडिया होगा कि आपने मास्क की एप्लीकेशन अगर आपने ये वाले ब्रांड की यूज करनी है तो आप ये यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं इनके पास ऑलमोस्ट सारी ही जितने भी इनग्रीडियट हम लोग यूज करते हैं डी में नाउ कम्स टू दी हैंड्स एंड फीट केयर इसको हम लोग बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐसे दो पार्ट्स है हमारी बॉडी के जैसे फेस आपका नजर आता है उसी तरह हैंड एंड फीट आपके विजिबल होते हैं कि किस तरह के हैं नीट एंड क्लीन है तो मेन पर्पज़ आपका यही होना चाहिए बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो कोई डर्ट या कोई डेड स्किन ना हो उन पर उसके लिए आपने अच्छा सा क्लेंजर यूज करना है अपने हाथों का जब भी आपने हैंड वॉश करने हैं आपने उसी क्लेंजर से वॉश करने हैं और आपके पास कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर होना चाहिए हैंड एंड फुट क्रीम होनी चाहिए जिसको आप अप्लाई करेंगे फीट्स पे आप उसको अप्लाई करके आप सॉक्स भी फेयर कर सकते हैं और वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक आपने कोई फ्रूट पॉलिशर जो कि आपकी स्किन पे कोई साइड इफेक्ट ना दे हर्बल आपने पॉलिशर यूज करना है इससे आपको कोई मैनी पैडी की आपको नीड नहीं रहेगी ये आपने फॉलो करते रहेंगे तो आपकी स्किन इसी बहुत ही अच्छे से ब्राइटन बोली लिप केयर के लिए आप डी आई वाई लिप स्क्रब बनाएं शुगर और कोकोनट ऑयल को, को यूज़ करके उससे आप अच्छे से अपने लिप्स की स्क्रबिंग करें या मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने शेयर किया व मास्क एंड स्क्रब आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और उसी के साथ आपने लिप्स को सॉफ्ट एंड स्मूथ रखने के लिए कोई भी अच्छा सी लिप बाम यूज़ करनी है जो कि आपके पास ट्वेंटी फोर सेवन हो आपको जब भी ज़रूरत हो आप उसको उसी टाइम अप्लाई करें आपने बिल्कुल भी ड्राई और चैप लिप्स नहीं होने देने स्टेप इसके आपके हेयर केयर रूटीन किस तरह करनी है अब बात करते हैं हेयर केयर की जो हर ब्राइट टू बी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है एज़ कि आपकी स्किन अच्छी हो आपके हैंड्स एंड फीट अच्छे हो इसलिए हेयर भी आपके अच्छे होने चाहिए हेल्दी एंड स्ट्रॉग होने चाहिए ये नहीं आपने सोचना कि लॉन्ग हो बट स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हो उनके लिए आपने डेली हेयर केयर रूटीन हेयर सीरम भी आपने यूज़ ज़रूर करना है ये कैरेटिन हेयर सीरम रिवाज का बहुत अच्छा है ये और अफोर्डेबल ऑप्शन चाहते हैं तो आप लिवॉन हेयर सीरम यूज़ कर सकते हैं वो भी आपके हेयर्स को बहुत फ्रिज फ्री और डैमेज फ्री करने में हेल्प करता है रूटीन शेयर कर रही हूँ डेली के लिए आपने ऑयलिंग करनी है और शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करना है ये तो आप करते ही हैं ऑयल के लिए ये दो रेकमेंडेशन है आप ये यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आपके काफी अच्छे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग हेयर होना स्टार्ट हो जाए वीकली हेयर केयर रूटीन में आपने हेयर मास्क यूज़ करना है डी हेयर मास्क आप यूज कर सकते हैं अदरवाइज ये आप रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं लाइक ये हॉट ऑयल हेयर मास्क है जिससे आपको प्रोटीन कैरेटीन कम्पलीट कैरेटीन ट्रीटमेंट है आपको घर पर ही ले आप ये एफ डब्ल्यू ऑर्गेनिक्स का प्रोटीन हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप स्टाइलिंग कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए स्किप कर दें बट अगर आपने फिर भी करनी है इंपॉर्टेंट है तो आप उसको हेयर स्टाइलिंग स्प्रे यूज करें ताकि हीट से प्रोटेक्ट करें कोई तो भी डैमेज ना हो इन सारे स्टाइलिंग टूल्स से और वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक अगर आपके फ्रिजी हेयर हैं तो आपने ऑयल रिप्लेसमेंट को ज़रूर यूज़ करना है इससे आपके बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ और फ्रिज फ्री हेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे ड्राई डैमेज हेयर के लिए भी ऑयल रिप्लेसमेंट इज़ अ मस्ट तो आपने इसको यूज अगर आपके ऑयली है एंड डैंड्रफ है तो फिर आपने इसको यूज नहीं करना अदरवाइज आप इसको यूज कर सकते हैं तो हेयर मास्क से आपके हेयर जो है हेल्दी और शाइनी हो जाएंगे और इस डी आई वा हेयर मास्क को प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए one, टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर और इसमें वन टेबल स्पून ही आप ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल ऑलो अच्छे से मिक्सअप करके देन आप इसमें टू टेबल स्पून मायनीस की एड करेंगे और साथ ही साथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पेपरमेंट ऑयल इस ये पेपरमेंट ऑयल से आपकी ग्रोथ को बूस्ट करता है और कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है स्कैल्प को काम करने में हेल्प और साथ ही साथ आप इसमें थोड़ा सा रोज वाटर भी एड करेंगे और ऑलमोस्ट वन टी स्पून आप ऐड कर सकते हैं इसमें यह बहुत ही अच्छे से आपके हेयर को शाइनी स्मूथ और सॉफ्ट करने में हेल्प करता है इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें ताकि स्मूथ मास्क बन जाए फिर अपने बालों को सेक्शंस में डिवाइड करके इस मास्क को रूट से लेकर टिप्स तक लगाएं इस मास्क को थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स के लिए लगाएं और फिर शैम्पू से वॉश करें ये मास्क आपके तो बालों को डीपली कंडीशन करेगा सॉफ्ट स्मूथ और ब्राइडल डे रेडी बनाएगा तो ये थी डिटेल ब्राइडल केयर रूटीन की uh, कंप्लीट बॉडी केयर के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी डिटेल सारी जो कि आपको शादी के दिन तक ग्लोइंग और कॉन्फिडेंट बनाएंगे जरूर शामिल करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में